गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के कितने बजे? गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभिषेक भाई, शांतनु भाई, हम लोग का प्लान कहाँ का बना है? सिमुलतल्ला का इंस्टेंट प्लान बना है। एक बार सिमुलतल्ला का व्लॉग आपने देखा है और शांतनु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। चला के आसपास क्यों कहीं भटकेंगे, नया चीज का खोज करने। वैसे हेरिटेज साइट विजिट करेंगे। लास्ट एक ब्लॉग हम लोगों ने सिमुलतल्ला का डाला हुआ है, पर आज थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड जगह को और एक्सप्लोर करेंगे। अंदर में जाके देखते हैं कहाँ क्या है। चलिए पड़ा साथ में बाइक हमारे रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500 और यहाँ FZ। चलिए जल्दी से आपसे मिलते हैं। अभिषेक जी का नॉटीनेस रिकॉर्ड हो गया। किस चीज का पत्ता है अभिषेक जी? खिलाइए तो उसको। तो दोस्तों सिमुलतल्ला हम पहुंच चुके हैं। एनु बीना अब मंदिर आपने देख ही लिया। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बारिश का टाइम था और कंडीशन काफी कुछ ठीक लग रहा था, पर इस बार हम बारिश के बाद आए तो ये कंडीशन देखिए हो चुका है। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जिनका कोठी रहा होगा, अब वो लोग शायद नहीं आते, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ है नहीं। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, थोड़ा जर्जर अवस्था में बहुत ज़्यादा। और अगर ये सब हेरिटेज साइट को डेवलप किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिमुलतल्ला में बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, खासकर सैलानिया सब कोलकाता से और बाकी और भी जगह से लोग आते हैं। थोड़ा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है सिमुलतल्ला, तो मैं आपको थोड़ा कंडीशन दिखाता हूँ। और इतनी शांति है यहाँ पे कि क्या बोलो।
चारों तरफ जंगल ही जंगल फैल गया। अभी ये झाड़ झंगाटी वगैरह उग गई और यहाँ बैठने का एक है, ये थोड़ा ठीक ठाक है पोजीशन। ये एंट्रेंस गेट रहा होगा इधर से, जिसमें अमरूद के पेड़ का लत आ गया है इधर, या जिसको डाल आप बोल सकते हैं। ओवरऑल यही है, बहुत शांति है यहाँ पे। ये नहीं कोई नहीं उल्टा हो गया। बर्फ में चलते हैं ना, एक एक बार गड्ढा करते करते। कोई चादर ट्रैक करने जाइएगा क्या सर? चादर ट्रैक बाइक से नहीं, ऑब्वियसली चादर ट्रैक बाइक से नहीं होगा। कौन ट्रैक? चादर ट्रैक वो है समझे, अभिषेक जी ने फ्रोजन हो जाता है। लेक नहीं है, वो नदी है। नदी है जांस्कर, वो फ्रोजन हो जाता तो चादर ट्रेकिंग होता है। एक चीज आपको दिखाना था, ये जो चमक रहा है शायद कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा अवरक है। ये सब देखो अवरक के पत्थर है ये सब।